लोकसभा चुनाव को लेकर देश में आदर्श आचार संहिता लागू है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन क्षेत्र में चोरों के हौसले फिर भी बुलंद हैं कि चोरों ने एक रात में चोरी की दो घटनाओं को अंजाम दे दिया है। आपको बता दें, थाना मुंडापाणी क्षेत्र के गोविंदपुर में चोरों ने सिंडिकेट बैंक के निशाना बनाते हुए गैस सिलेंडर से ऑक्सीजन फैन की खिड़की काट कर बैंक के अंदर घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस और एसओजी की टीम के साथ फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है। पुलिस को बैंक की पिछली दीवार के पास से एक गैस सिलेंडर और एक ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर के साथ गैस कटर भी बरामद हुआ है। इसमें पुलिस और बैंक कर्मी अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। बैंक के अंदर कितना नुकसान हुआ है, सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जाँच होने के बाद साफ हो पाएगा क्या नुकसान हुआ है। तो दूसरी ओर थाना क्षेत्र के बीरपुर थाना क्षेत्र में भी चोरों ने वेल्डिंग की वर्कशॉप को निशाना बनाते हुए लगभग 1.5 लाख का माल लेकर चोर फरार हो गए हैं। इससे साफ पता चलता है कि थाना पुलिस अपनी ड्यूटी को किस तरह अंजाम दे रही है। मुंडापाणी से शहादत अली, लाइव अभी तक। सर, आज जो गोविंदपुर थाना ब्रांच में ये क्या मामला क्या हुआ है? बाकी अभी जो है छानबीन की जा रही है। क्या चोरों ने कुम्मल किया है कहीं से ब्रांच के अंदर? हाँ, उन लोगों ने खिड़की के रास्ते से रोशनदान होता है, रोशनदान को एग्जॉस्ट फैन जो होता है वो तोड़ के अंदर आने की कोशिश करी। कुछ क्या ब्रांच के अंदर कैश या कुछ सामान गया है चोरों द्वारा? वो सामान तो है, जैसे कि मॉडल होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल वो ले चुके हैं, ले गए हैं सारी कनेक्टिविटी कार्ड भी। और अभी कैश की स्थिति का पता नहीं लगा सकते जब तक वो खुल नहीं पाए। इसलिए इंजीनियर से बात करिए। पुलिस मौके पर है अभी। हाँ, पुलिस मौके। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र चितारू।